तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन मेथड के बारे में, हाउ कैन प्रोटेक्ट योर डेटा। और ये ताले चाबी वाली बात है, सिक्योरिटी वाली बात है, तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा जो डेटा डला हुआ है, मैं चाहता हूँ कोई भी पर्सन इसको डिलीट ना कर सके, कोई भी पर्सन डिलीट में कोई चेंज ना कर सके, डिलीट ना कर सके। तो कुछ नहीं करना है, सीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, पासवर्ड डालते ही एक मैसेज आएगा, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यू लॉस्ट एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो पासवर्ड डालते समय इसका ध्यान रखिएगा, पासवर्ड रिकवर नहीं होगा। हालांकि कुछ साइट्स, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एडिंग्स हैं जो कि रिकवर कर देते हैं, लेकिन 100% वो भी रिकवर नहीं करें। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो टाइप नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन करके कॉपी करना, तो मैं इजीली सिलेक्शन करके कॉपी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन या डेटा को कॉपी भी ना कर सके। देखिए, कॉपी को डिसेबल नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉपी करने की ज़रूरत क्या होती है? ज़रूरत होती है सिलेक्शन की। बिना सिलेक्शन की आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर बिना सिलेक्शन कॉपी करते हैं तो व्यर्थ होगा। तो उस केस में हम राइट क्लिक करके, पहले तो इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। इसका मतलब यह है कि इतने जो चेकबॉक्स है कि आप पासवर्ड डालने के बाद क्या क्या करना चाहते हैं उसका है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि फॉर्मेट सेल, तो पासवर्ड डालने के बाद आप कुछ चेंजिंग तो नहीं कर सकते, बट डेटा फॉर्मेट कर सकते हैं। आपने शॉर्टिंग सेलेक्ट कर लिया तो शॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टर सेलेक्ट किया तो फिल्टर कर सकते हैं। तो इसमें डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है सेलेक्ट लॉक्ड सेल एंड सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। अब लॉक्ड क्या होता है, अनलॉक्ड क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस चीज़ को समझिए कि लॉक्ड सेल और अनलॉक्ड सेल क्या है, इसका क्या बेनिफिट्स क्या है इसका। मतलब ये हुआ कि आपके जो सेल्स है उसकी सिलेक्शन की अथॉरिटी दी जा रही है कि आफ्टर दी प्रोटेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्शन इसको हटा के एंड ओके करता हूँ। अब देखिए, हम कहीं क्लिक ही नहीं कर सकते, नहीं कर रहे क्लिक। अगर किसी ने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया तो जो पासवर्ड डालते समय एक सिंगल सेल सिलेक्ट था वही कॉपी होगा। तो उसको आप किसी ब्लैंक सेल पर रख दीजिए ताकि कॉपी नहीं होगा। अब अगले टॉपिक में हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्शन से प्रोटेक्शन से बाहर। एक सेकंड, सॉरी, आपने इधर सिलेक्ट लॉक सेल क्लिक किया था ना पहले, जब अभी खुद भी सिलेक्ट हमने सिलेक्ट लॉक सेल और अनलॉक सेल को अनचेक कर लिया, तो दोनों को, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर। तो यहाँ हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं, और प्रोटेक्ट शीट्स में अगर हम सिलेक्ट लॉक सेल करते हैं, अनलॉक सेल करते हैं, क्या होता है लॉक अनलॉक? क्योंकि यहाँ ऊपर दिया हुआ है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, मतलब कि आपकी जो सेल लॉक्ड है उसी पे पासवर्ड अप्लाई होती है। अब लॉक अनलॉक क्या होता है, देखिए, हर एक सेल जब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल की प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे तो लॉक्ड होता है। मतलब लॉक्ड है, इसका मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद इस पर पासवर्ड अप्लीकेबल होगा। अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया, इसका मतलब है कि इस पर पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं होगा, समझे? पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं, क्लियर है? अगर लॉक्ड करोगे तो ही होगा ना पासवर्ड? हाँ, लॉक रहेगा तब होगा, अनलॉक होगा तो नहीं होगा। जी। तो हमें इस येलो एरिया से हटाना है, तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और लॉक को अनचेक करूंगा, देन ओके करूंगा। अब मैं इसमें पासवर्ड डाल दूंगा। अभी क्या होगा कि मैं यहाँ टाइप नहीं कर सकता, बट यहाँ टाइप करूंगा, समझ गया? अगर मान लीजिए मुझे इसी का उल्टा करना है,
मैं चाहता हूँ कि मेरा एरिया इतना एरिया लॉक्ड रहे, बाकी एरिया हमारा अनलॉक्ड रहे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, लेकिन नहीं, एक मिनट, पहले आपको पूरी सीट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आपका सीट लॉक्ड होता है ना, उसको अनलॉक कर दें। लेकिन इतना एरिया आपका लॉक्ड अनलॉक रखना है, कोई पासवर्ड अप्लाई करना है, तो उसको लॉक कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया कि पूरे सीट को अनलॉक किया, मतलब कि पूरे सीट पे टाइप हो सकती है, बट इस एरिए को हमने लॉक्ड से बाहर किया, मतलब कि इस एरिए पे लॉक्ड नहीं लग सकता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा। क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आया, ना ये वाला और ना पिछला जो आपने बोला। एक मिनट ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, सुनिए, पासवर्ड लगाते वाला हैं, भी समझ नहीं आया, सुनिए सुनिए, येलो वाला, एक मिनट मैं बात समझा रहा हूँ, सुनिए। पासवर्ड लगाते समय पासवर्ड बोलता है, पासवर्ड जो बोलता है वो बोलता है कि जो सेल लॉक्ड है हम उसी पे पासवर्ड अप्लाई करेंगे, जो सेल अनलॉक्ड है उसे पासवर्ड अप्लाई नहीं करेंगे। लॉक अनलॉक मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी कहाँ से पता चलती है? तो हमारा फॉर्मेट सेल से पता चलती है। फॉर्मेट सेल में लॉक पे क्लिक है मतलब कि लॉक्ड है, अनलॉक पे क्लिक है मतलब अनलॉक्ड है, समझ गए? ठीक है। हमें करना क्या है कि इस इतने जो एरिया है, रेड एरिया है, इसको हमें अनलॉक्ड इसको लॉक्ड रखना है, बाकी को अनलॉक्ड रखना है। लेकिन डिफ़ॉल्ट बाकी लॉक्ड है, पूरा सीट लॉक्ड है, डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होता है इसकी प्रॉपर्टी, तो हम इसकी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, अनलॉक्ड कर देंगे, मतलब अनचेक कर देंगे पूरी सीट को। हमने सीट को कैसे किया, इस ट्रायंगल पर क्लिक करके। अब मैं ओके कर दूंगा तो क्या हुआ कि अभी जब मैं पासवर्ड डालूंगा तो हर जगह टाइप होगा, यहाँ भी टाइप होगा, क्योंकि ये भी हमारा अभी अनलॉक्ड है। तो इसकी प्रॉपर्टी को जाके मैं लॉक्ड कर दूंगा, तो पूरी एंटायर शीट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी अनलॉक्ड है, बट इसकी प्रॉपर्टी हमारा लॉक्ड है। जब पासवर्ड में अप्लाई करूँगा तो पूरे प्रोटेक्शन को क्या होगा कि ये सब तो अनलॉक्ड मिलेगा, इस पर टाइप करने देगा, लेकिन ये हमारा लॉक्ड मिलेगा तो टाइप नहीं करने देगा, समझे? गरिमा जी, समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी, आगे 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 बढ़े। हाँ जी, अब इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, इस पर नेम लिखा हुआ है, नेम इसमें लिख दिया हमने रोल, यहाँ लिख दिया मार्क्स। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि जब हम टाइप करें तो कर्सर हमारा यहीं पर हो, कहीं और ना जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पूजा, एंटर टाइप किया तो नीचे आने के बजाय मेरा कर्सर सीधे यहाँ जंप करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करके हम इन तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, इसको अनलॉक कर देंगे, क्यों? ताकि इस पर हम टाइप कर सकें, ठीक है। बाकी हमारा लॉक्ड है तो टाइप होगा नहीं। फिर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट लॉक्ड सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो सिलेक्ट लॉक्ड सेल को अनचेक कर देते हैं, हम बोलेंगे कि भाई आपको सिर्फ अनलॉक्ड को ही सिलेक्ट करना है, मतलब कि अनलॉक्ड कौन सा है, ये तीन है, इसी को सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ से अगर कुछ टाइप करके एंटर मारूंगा तो कर्सर सीधे यहाँ आएगा, ठीक है। तो कर्सर हम टाइप इन तीनों पे कर सकते हैं और कर्सर भी इन तीनों पे ही मूव होगा, क्यों? क्योंकि हम प्रोटेक्शन में सिलेक्शन को सिर्फ अनलॉक्ड पे रख दिया था, लॉक्ड को हटा दिया था। लॉक्ड अनलॉक मतलब कि सेल और सेल की प्रॉपर्टी, क्लियर है? निर्मा जी को डाउट इसमें? अब अगला बात आती है कि हम चाहते हैं कि एक ही सीट में एक से कई तरह के पासवर्ड लगाए जाए। जैसे कि मान लीजिए कि एक फाइल है, उसके एक सीट पे दो दो पर्सन काम करता है, मिस्टर ए और यहाँ पे मिस्टर बी। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पर्सन हमारी इस फाइल पे काम करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों के अलावा, मतलब कि जो मिस्टर बी है मिस्टर ए के ऊपर छेड़छाड़ ना कर सके
और मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के ऊपर छेड़छाड़ ना कर सके, समझे? हाँ जी। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हमें जाना होगा रिव्यू टैब में। यहाँ पर आपको दिखेगा अलाउ एडिट रेंज, इस अलाउ एडिट रेंज पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके पहले अपना रेंज को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे हम नाम चेंज करना चाहते हैं, रेंज वन की जगह पे आप मिस्टर ए कर दीजिए और यहाँ रेंज पे आइए और एक रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए अपना, सॉरी बी टीम प्लस हो गया, इसको प्लस कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड दे दीजिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए एंड ओके कर दीजिए। फिर वापस न्यू पे आइए और यहाँ पे मिस्टर बी का नाम डाल दीजिए, मिस्टर बी, और फिर यहाँ इसको मिस्टर बी का एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। मिस्टर बी का एरिया सेलेक्ट करने के बाद मिस्टर बी का पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड ए अलग होना चाहिए इसे, ठीक है, कन्फर्म कीजिए एंड अप्लाई करके ओके कर दीजिए। बट इसमें अभी पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि ये फीचर तब एक्टिवेट होगा जब इसको पासवर्ड डालेंगे सीट का, सीट पासवर्ड डाला एंड ओके कर दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ तो टाइप नहीं कर सकते, बट जैसे ही यहाँ टाइप करने जाएंगे मुझसे पासवर्ड पूछेगा। अगर मैं पासवर्ड डाल के ओके कर दिया तो अब मैं इसमें कोई भी टाइप कर सकता हूँ, बट इसमें नहीं, इसमें डालूंगा तो अगेन पासवर्ड डालेगा, इसमें मिस्टर बी का पासवर्ड चाहिए। अगर मैं मिस्टर ए का पासवर्ड डाल दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये पासवर्ड डालने के बाद कब तक एंट्री करने देगा, जब तक कि फाइल को रीओपन नहीं करते। जैसे फाइल को आपने रीओपन किया ये अगेन पासवर्ड पूछेगा, समझ गया? अभी जैसे आपने इसमें पासवर्ड डाला है कितनी देर तक आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, जब तक सीट ओपन है तब तक? क्या आपने ए वाले में पासवर्ड डाला तो वो कब तक आपको अलाउ करेगा कि उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, जब तक सीट ओपन है या फिर आपको दोबारा मतलब आगे फाइल ओपन है? आपकी फाइल जैसे क्लोज होगी ना, जो बुक वन बुक 31 है ना, ये क्लोज हो जाएगा तो फिर अगेन पासवर्ड ओपनिंग करेंगे तो अगेन पासवर्ड आएगा। सीट से मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि आप दूसरे सीट पे चले गए तो वापस इस सीट पे आएंगे तो वापस पासवर्ड मांगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? अब सीट ओपन रहेगी जब तक जी। अब यहाँ पे जैसे कि है, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड को यहाँ अगर मान लीजिए कि मैं इसको इसके पासवर्ड को अगर मान लीजिए कि एक सीट को डिलीट करना है तो हम सीट को डिलीट कर दें, पासवर्ड लगा फिर भी हम सीट को इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो मैं सीट को प्रोटेक्ट करना है तो यहीं पे आपको रिव्यू टैब के अंदर ही प्रोटेक्ट वर्कबुक है, इस पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड कन्फर्म कीजिए एंड ओके कीजिए। अब सीट पर किसी भी तरह की फाइल को डिलीट, सीट को डिलीट इंसर्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते सीट के अंदर, ठीक है मैम? तो सीट के अंदर कोई भी डिलीशन आप नहीं कर सकते। ये थी हमारी प्रोटेक्शन में। आगे की बात आती है कि हम फाइल वो कैसे करें, कोई पर्सन में फाइल ही ओपन ना कर सके, तो आप फाइल में जाइए, सेव एज, आपकी नई फाइल है तो फाइल का नाम देते समय यहाँ जनरल ऑप्शन में पासवर्ड टू ओपन पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल सकते हैं, लेकिन फाइल को सेव एज करते समय कैसे होगा समझ में आ गया आपको? टूल्स के अंदर पासवर्ड टू ओपन पासवर्ड टू मॉडिफाई जनरल ऑप्शन में, या जनरल ऑप्शन। अब टूल्स है यहाँ भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, वो विंडोज के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है कि हमें फाइल पे पासवर्ड डालने के लिए फाइल को सेव एज करना पड़ रहा है। नई फाइल है तो हम चलो सेव एज कर लेंगे, लेकिन अगर कोई पुरानी फाइल हुई तो सेव एज नहीं कर पाएंगे ना हम, क्या? क्योंकि अगर हमने सेव एज किया तो नाम और लोकेशन चेंज होगा, नाम और लोकेशन चेंज होगा तो फिर हमारी लिंकिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फाइल को बिना सेव माने कि सेव एज किए आप यहाँ इन्फो के अंदर यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड मिलेगा, इन्फो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पर क्लिक कीजिए, अपना पासवर्ड डाल दीजिए, ये पासवर्ड टू ओपन होगा फाइल को बिना चेंज करे,
प्रोटेक्शन समझ में आ गई आप लोगों को? मतलब आपने ये इनपुट वाला ये जो दिखाया, आपने फाइल ओपन किया, आपने प्रोटेक्ट कर लिया और आपने सेव नहीं किया, तो बाद में आप इनपुट पे जाके वो करेंगे तो हो जाएगा।